वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ सारे भाई लोग मेरे ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। अभी आपने देखी थी भाई वीडियो, इससे पहले वाली मैंने क्रेटा बेस मॉडल की वीडियो बना रखी है। अब है भाई अपने बीच वाला मॉडल। अब इसमें हम आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सारा वीडियो में आप बने रहना। अगर आपको बेस मॉडल की वीडियो नहीं देखी तो आपने भाई जल्दी जाके चैनल पर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। जल्दी जाके मुझे बताओ बेस मॉडल लेना है आपका, क्रेटा का टॉप मॉडल लोगे आप, जल्दी जाके बताओ। अब बात करते हैं भाई अपनी, ये खड़ी है अपनी क्रेटा की बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या मिलता है स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो इस तरह की इसमें की मिलती है हमें, फ्लिप की वगैरह इसमें कुछ भी नहीं मिलता, वैसे अपने नॉर्मल रिमोट्स है, ठीक है। अब जो बेस मॉडल था उसमें हमें फ्लिप की मिलती थी, बट उसमें नहीं मिलती। और देखो सामने से अगर हम बात करते हैं भाई, ऊपर पूरी अपनी LED मिल जाती है। बेस मॉडल में हमें ये नहीं मिलता था, इसमें अपनी कुछ ब्लैक का जो ब्लैक क्रोम होता है ना, कुछ उस तरह का हमें इसमें क्रोम मिलता है। होंडा का लोगो है अपना जो सिल्वर में है, क्रेटा में जो बेस मॉडल था उसमें ब्लैक में था। नीचे देखो फॉग लैंप्स में ही आपको वो अपने हेडलैंप्स मिल जाते हैं, मतलब मर्ज किया हुआ दोनों चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं कि नीचे फॉग लैंप ऊपर अपनी हेडलाइट्स हैं, दोनों अपनी LED जलती हैं। ये देखो मैं पर जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई इस तरह की अपनी LED हेडलाइट्स हैं। ऊपर अपना पूरा वो जो अपनी LED का सेटअप से पूरी अपनी, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वाला, टाटा भी ऐसी देने लग गई, अपनी होंडा भी ऐसी देती है। देखो भाई इसकी ना आगे वाली लाइट दिखाता हूँ भाई, जलाना लाइट जलाओ सारी, ये देखना इसका, ये देखो डिपर मारो। ये देखो इस तरह का कुछ इसका जो है वो आता है सारा भाई। देखो अभी ना नई नई गाड़ियों की वीडियो ला रहा हूँ मैं, अभी इससे रैप भी नहीं उतरे और मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइड में अगर हम बात करते हैं भाई, साइड में क्रेटा में उसमें हमें 16 इंचेस के अलॉय मिलते थे, बट अगर मैं इसकी बात करूं जो बीच मतलब टॉप से एक नीचे मॉडल है, 215/60/17 इंचेस के हमें इसमें अलॉय मिलते हैं। देखो जूम करके भी दिखा देता हूं मैं आपको, डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। अब ना इस तरह का हमें इसमें जो है कुछ डायमंड कट का उसमें अलॉय मिलता है, इस तरह के इसकी लुक है। फेंडर पे इंडिकेटर उसमें था, इसमें नहीं है, वो आपको मैं कंपेयर वीडियो एक और लेके आऊँगा। अब देखो ये है अपना, क्या है अपना पता है आपको, ORVM पे हमें इसके टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये अपने साइड का दरवाजा खोलने का वो जो भी चीज़ है, नीचे देखो इसमें सिल्वर फिनिश में हमें, सिल्वर नहीं थोड़े ब्लैक है सब की वजह ना, कुछ वो कर दिया है ना कलर में, क्रोम के कलर में चेंज किया है। देखो कुछ ब्लैक करके क्रोम है, इस तरह का हमें इसमें क्रोम मिलता है। बाकी साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपना पूरा वो दिखा है 1.5 M6, जो भी अपने क्रेटा है डीजल में अपनी क्रेटा रहने वाली है, टॉप से नीचे वाला वेरिएंट। फ्यूल लिड है अपना, फ्यूल लिड ओपन करके अपने यूरिया वगैरह का है, दो भी इसमें होगा, फिर दूसरी साइड होगा यूरिया का। पीछे भी इसमें हमें इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है, इस तरह का पीछे वाले का साइज है। ये देख सकते हो भाई कि मतलब कैसी लगती है गाड़ी, ये देखो है ना। और हम देखो साइड में से वो आ गए, अब आ गए हम पीछे, क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, हुंडई का लोगो मिल जाता है, पूरी अपनी लाइट जल्दी मतलब पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक की पूरी लाइट दिखती है। और ये जो है ना ये चीज़, ये जब बैक गाड़ी को बैक करते हैं तो ये जब जलती है, ये अब के बाद नीचे दे दिया इन्होंने। हाँ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, अब देखो ये खड़ी है अपने पास भाई, कहाँ गई देखो, मैं एक बार आगे जाके देखता हूँ आपको एक चीज़ मस्त वाली। वो खड़ी है अपने पास वाइट वाली क्रेटा, मतलब जो पहले आती थी, ये खड़ी है अपने पास बेस मॉडल क्रेटा। आपको कमेंट करके मुझे ये बता देना, वो थोड़ा टॉप मॉडल है इसलिए थोड़ा साइड में आ गया, कमेंट करके मुझे ये बताना आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, ये वाली या फिर ये वाली। मैं देखता हूँ किस गाड़ी के कितने ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। अब देखो मैं थोड़ा पीछे हट के बात करता हूँ गाड़ी में, जहाँ पे मैं था ऑन द टॉपिक आता हूँ। वाइपर मिल जाता है पीछे का अपना, देखो पूरे लाइट्स वगैरह हैं जो भी चीज़ है। कैमरा हमें इसमें मिल जाता है, देखो कैमरे की प्लेसमेंट देख सकते हो भाई आप कहाँ पे है। इसके पार्किंग सेंसर देख लो भाई, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नीचे लाइट मिल जाती है, नीचे क्रोम का पार्ट मिल जाता है। अगर मैं बूट स्पेस बात करूँ, देखो खोल दिए मैंने, ये यहाँ से ये खुल गई, ये देखो इस तरह का इसमें बूट स्पेस मिलता है, जैसे मैंने पहले की थी ना वो जो बेस मॉडल में था, वही सेम इसमें है और ऐसा ही इसमें है, इस तरह का बूट स्पेस मिलता है। ये देखो भाई साइड से इस तरह की लुक आ रही है गाड़ी की। अब बात देखो दोनों साइड से कवर हो गई, अब मैं देखो कीलेस इसमें एंट्री मिलती है, यहाँ से ये हो गई बंद और ये हो गई ऑन। अब ये मैं बैठ गया, आह मजे आ गए नई गाड़ी में बैठ के, कितना मजा आता है यार, खुशबू ही अलग होती है नई गाड़ी की ना। देखो सारे हमें इसमें पावर विंडोज हैं, ये देखो लॉक अनलॉक के बटन, ये ORVM के कंट्रोल्स हैं है ना, ये देखो ऑटो फोल्ड, ये देखो है ना। अब ये कर दी मैंने गाड़ी ऑन, एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन हमें ये मिल जाते हैं, हेडलाइट्स के जो भी 1, 2, 3, 4 आपको जिस लेवल पर लाइट चाहिए वो आपको मिल जाती है। AC वेंट्स हैं,
ऊपर देख सकते हो भाई अपने डैशबोर्ड की फिनिश थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी अब की बार की, कोई सॉफ्ट टच वगैरह है ना इधर देना चाहिए था अगर इतने पैसे अगर आप लेते हो तो। देखो इधर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, इधर भी आपको थोड़ा मतलब स्पेस मिलता है, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। अगर मैं टॉप मॉडल में जाता हूँ जो बिल्कुल टॉप मोस्ट है वहाँ पे मैं वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। टाइप सी हमें केबल का वो मिल जाता है चार्जिंग का, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। पीछे देख सकते हो भाई आप इस तरह का हमें इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। देखो भाई एसी के कंट्रोल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, टेम्परेचर हाई लो करने का बटन है, ये अपने फैन का किस स्पीड में चाहिए ये वहाँ सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्रंट में चाहिए रियर में चाहिए जो भी चीज़ें हैं, ये अपना जो गाड़ी के अंदर हवा घूमते रहती है, तो सारे बेसिक बेसिक चीजें हर किसी गाड़ी में मिल जाती है। एसी के कंट्रोल्स वगैरह है, ये अपना वही सेम चीज जो पहले ऑन डे रिपीट करती आती थी, कोई ऐसा वो उसमें अंदर चेंज नहीं है। देखो ये सेम चीज मिलते हैं, बट डिस्प्ले है थोड़ा सा वो उन्होंने एक बार ये चीज चेंज कर दिया, जो एक्सयूवी 700 वाला आता है ना पूरा अपना कंबाइंड सिस्टम कर दिया है ये देखो भाई, है ना। इसमें कुछ एसेसरीज मोड पता नहीं क्या करके आया था भाई ये, अब इतना तो पता नहीं कैसे चलेगा कैसे नहीं, कोई कंपनी का कुछ होगा कि भाई ये देखो मतलब इस तरह का। और भाई आगे से देख बात करते हैं अपने, हमें जो बेस टॉप मॉडल में थे हमें उसमें सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, हमें सनग्लास होल्डर मिल रहा है, सनरूफ है पीछे, ये अपने हेडलाइट्स के हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं देखो भाई, ये देखो इधर से ये अपने IRVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये अपने यहाँ पे हमें कोई मिरर नहीं मिलता, इधर बात करते हैं तो इधर हमें मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर मिलता है। बाकी कंट्रोल्स अगर स्टेयरिंग की बात करते हैं हम, टिल्ट मिलता है आपको, टिल्ट है टेलीस्कोपिक आपको इसमें भी नहीं मिलता, वही चीज थोड़ा टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था। ये अपने भाई डिस्प्ले के कंट्रोल्स हो जाते हैं, क्रूज मोड मिल जाता है आपको, मोड्स वगैरह के जो भी चीज़ आपको फोन कट करने के ऑन करने के जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। बेस मॉडल में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, बट देखो अजी थोड़ा बेस ऊपर वाला मॉडल है तो देखो भाई यहाँ से सारे मोड वगैरह के सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कॉल कट वट जो भी चीज़ है, सारे क्रूज कंट्रोल MID के कंट्रोल्स हैं सारे इधर इसमें। तो यार मतलब ये वाली अगर आप लो ना तो भाई ये वाली गाड़ी लो, है ना, सारी चीज इधर ही है भाई आपको ना, मतलब ये बैग नॉर्मली मैनुअल गाड़ी है वही है, मतलब यार महंगी थोड़ी सी वो ही है ना, कंपनी हाइप ज्यादा बना दे रही है आजकल ना गाड़ियों के, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई इसमें चेंज। और मैं तो सोच के आया था कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्प्ले है, बट इसमें ना जो बीच में देखो ये गैप दे रखा है, ये मीडिया वगैरह का ऑप्शन है, ये जो भी सारा प्लास्टिक का पार्ट है इधर देखो, देखो बस यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले यही है जो भी चीज है, बाकी तो सच इसमें कुछ भी नहीं है। क्रेटा में वो पुराना वाला स्टेयरिंग है, मतलब वही फील होती है मुझे, मतलब क्या ही बताऊं यार आपको ना, अगर आप जैसे रियल लाइफ में देखोगे ना तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ बस भाई हाँ ये यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है ना भाई यही चेंज किया थोड़ा सा उठा के, जैसे SUV 700 में वही, बाकी और सब ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह की कुछ अंदर से इसकी लुक है भाई। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आती नहीं है, कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, नॉर्मली हैंड ब्रेक है, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा आपको ये वाला पार्ट मिल जाता है। देखो भाई एक बार पीछे बैठ के बताओ, देखो भाई पहले ग्राउंड क्लियरेंस सेट कर लेता हूँ आगे का, हाँ पहले ना आगे बैठाता हूँ भाई को और भाई बताएंगे हाँ। कि कैसा है आगे, कैसा फील कर रहे हो भाई आप बैठ के, लेते हैं हम अपना हाँ। आगे कैसा फील कर रहे हो बैठ के भाई, फील तो सही हो रहा है बढ़िया बढ़िया, मतलब स्पेस ऐसा लंबे रूट पे 1000-2000 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पीछे जाओ एक बार, ठीक है भाई ये देखो भाई पीछे जा रहे हैं, पीछे का भी बता दो भाई, पीछे क्लियरेंस ठीक है बट लेग स्पेस में है, अगर मैं अपने हिसाब से अंडर थाई स्पोर्ट कैसा है, अंडर थाई करनी सही है ठीक है, कंफर्टेबल है कंफर्टेबल ठीक है, पीछे मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हाइट कितनी है भाई भाई की, 6 फुट हाइट है, 6 फुट है तो मतलब 6 फुट वाले बंदों को एडजस्ट करना पड़ेगा, 6 फुट के बैठ जाएंगे ना नहीं बन पाएगा लेग स्पेस बहुत कम उसी हिसाब से। पुरानी वाली क्रेटा में बैठे हो पीछे, हां भाई उसका क्या कहना है, उसका तो काफी उससे इसका कम है, इसका कम है ठीक है। ये ब्लाइंड फोल्ड्स मिल जाते हैं कुछ, देखो यहाँ से ऐसे ऊपर कर देते हैं, हालांकि इन पे भी चालान काट देती है अपनी इंडिया की पुलिस, बट फिर भी आपको मिल जाते हैं, है ना। अगर हम इसके भाई इंजन की बात करते हैं तो देखो वही सेम बोनट खोल दिया मैंने, ये कर दी बंद, अंदर से भाई वही है बस। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो भाई हमें फीचर्स की बात करें, सॉरी ABS, EBD, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन, चारों डिस्क ब्रेक, एयर बैग, देखो एक एयर बैग एरा, एक एरा, एक एरा इधर और एक एरा, चार हमें इसमें एयर बैग्स मिल जाते हैं, स्पेस मिल थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है भाई, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, बैक कैमरा देखो भाई 20 लाख रुपए गाड़ी का बैक कैमरा, अरे यार ये कॉस्ट कटिंग ना अच्छी नहीं लगती यार कंपनियों की ना, ये देखो भाई
ये देखो बैठ के तो मस्त फील आती है, वही सेम सी फील आती है, बस थोड़ा सा ना ये डिस्प्ले वगैरह इन्होंने थोड़ी मर्ज कर दी, वरना ऐसे लगता है जैसे पहले वाली क्रेटा में बैठे हैं, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। सनरूफ वगैरह वही है बड़ी बड़ी सी, पीछे बैठ के अपना देख सकते हो भाई। लेग स्पेस अगर मैं बात करता हूँ, देखो 5'11" मेरी हाइट है, अगर सीट ये थोड़ी पीछे है, थोड़ी नहीं मतलब ठीक है, काफी पीछे है, पूरी ही पीछे है, बट अगर फिर भी थोड़ा सा पैर अटक रहे हैं, अगर थोड़ा सीट आगे कर दे तो नहीं अटकेंगे पैर। बाकी सारी पावर विंडो है, पीछे वाली भी पावर विंडो है, ये देखो ये ब्लाइंड फोल्ड है, अपने ऐसे लग जाते हैं, ये अपना नीचे हो जाती है, ये देखो भाई। तो भाई आपको ना मैं वो सुनाऊंगा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके मतलब कितने स्पीकर्स मिलते हैं सारे, इसका आउटपुट देखना मुझे बताना कैसा मिलता है। चलाओ भाई चलाओ चलाओ, सुनना भाई, अभी दिखाते हैं आपको, चल जा। ये देखना भाई इसका आउटपुट सुनना, ऐसा लगा म्यूजिक सिस्टम आपको है भाई? ये बेकार है म्यूजिक, बेकार है ना, बेकार है मतलब वो मजे वाली बात नहीं है यार। तो क्या कुछ है ही ना इसमें ना भाई, एक बात बताता हूँ आपको, ये जो यहाँ पे बॉस वगैरह लिखे रखती है, खैर अब की बार क्रेटा में बैजिंग नहीं है, हालांकि कंपनी क्लेम करती है बॉस के स्पीकर मिलते हैं, बट यार ऐसे लोकल चाइनीज देती है कंपनी, इधर मैंने खुलवा के चेक कर रखे है, बट पता नहीं मतलब मजा वाला चीज नहीं है ये अब की बार ना। बाकी देखो भाई अगर अपग्रेड कराना चाहते हो तो भाई आप करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाहर से एक बार और फिर से लोग दिखाता हूँ, वीडियो को कंबाइन कर देते हैं भाई। तो गाइज अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करता हूँ तो आपको लगभग 18-19 के लगभग आपको पड़ जाएगी भाई। इसके एक और टॉप मोस्ट इसका जो वेरिएंट आता है ऑटोमेटिक में मिल जाएगा। इसके इंजन ऑप्शंस ना हुंडई कंपनी की अच्छी बात है, इंजन ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसको, IMT भी मिल जाता है भाई, अपना डीजल पेट्रोल जो भी है अपना, देखो ऑटोमेटिक IMT वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं आपको इसमें। बाकी ये देख सकते हो भाई, अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हाँ आपने डिटेल में रिव्यू दिया है, मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा था जरूर बताना भाई। ये वीडियो आपको मतलब काफी सारे कम यूट्यूबर्स ने डाली होगी इतनी ना, मतलब थोड़ा डिटेल में रिव्यू किया है मैंने इस वाली गाड़ी का। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, मैं देखता हूँ कौन कौन भाई, और मुझे बताना कौन कौन अपनी गाड़ी ये क्रेटा जो नई नवीली गाड़ी कौन कौन भाई मेरा लेके आया है, ठीक है कमेंट करके बताना, उसकी भाई का भी गाड़ी का रिव्यू जरूर करेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।